हेलो फ्रेंड्स, विशाल्स कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साबूदाने की खिचड़ी की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप के करीबन मूँगफली के दाने। तो इन मूँगफली के दाने को हमें अच्छे से रोस्ट करना है, जब तक इनके अंदर से अच्छे से खुशबू ना आने लगे और ये अच्छे से थोड़े से डार्क कलर के ना हो जाए, बस हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, तभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और एक इस तरह का कोई कपड़ा लेंगे और कपड़े के अंदर निकाल देंगे हम इन दानों को। तो दानों को निकाल देंगे कपड़े के अंदर और कपड़े को इस तरह हम एक बार बंद कर लेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब हाथों से हमें इनको रब करना है, तो अच्छे से रब करेंगे ताकि सारे के सारे छिलके जो हैं मूँगफली के दाने के वो हट जाएँ। तो अगर थोड़े से छिलके ना भी हटे कुछ मूँगफली के दाने के, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इनको निकाल लेंगे हम एक प्लेट के अंदर। इनका जो छिलका है उनको हम फूंक मार के या फिर जैसे भी आप साफ कर सकते हैं कर लें। मूँगफली के छिलके हटाने के बाद इनको हम डालेंगे एक खलबट्टे के अंदर। आप चाहें तो इनको मिक्सी ग्राइंडर के अंदर भी हल्का सा दरदरा कूट सकते हैं, फिर पीस सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे खलबट्टे के अंदर पीस रहा हूँ, आप देख सकते हैं इस तरह का मैंने दरदरा इसको कूट लिया है। अब गैस पर रख देंगे कढ़ाई फिर से और गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब एकदम लो फ्लेम पर तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे एक टीस्पून जीरा, और जीरा डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इनको हम हल्का सा कुक कर लेंगे और लो फ्लेम पर इनको कुक होने देंगे। और जब तक हमारी ये हरी मिर्च और जीरा कुक हो रहे हैं, तब तक हम यहाँ पे आलू काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल कर लिया था लगभग 4 सीटी आने तक, तो अच्छे से बॉईल है आलू। तो इनको हम इस तरह क्यूब्स में कट लेंगे, छोटे छोटे आप देख सकते हैं, तो जैसे आप चाहें वैसे कट कर सकते हैं। तो आलू को इस तरह कट करके हम इसको डाल देंगे कढ़ाई के अंदर। तो आलू को कढ़ाई के अंदर डालने के बाद इसको हम अच्छे से चलाएंगे और इसको हमें लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए पकाना है इसी तरह। तो इसी तरह लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे, तो एक बार चला देंगे बीच में। तो यहाँ पे जब आलू पक जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे साबूदाना। तो यहाँ पे मैंने 1 कप साबूदाना लिया था, जिसको मैंने पानी में धोकर 2 से 3 बार धोया था, और उसके बाद इसको भिगो के रख दिया था लगभग 4 घंटे के लिए। तो साबूदाना अब इसके अंदर डाल देंगे, और साबूदाना डालने के बाद इसको हम चम्मच की सहायता से या फिर स्पैचुला की सहायता से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हल्का सा कुक करेंगे, पहले 1.5 मिनट के लिए चलाते हुए। तो जैसे ही आप देखेंगे इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। साबूदाने को हल्का सा कुक करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मूंगफली के दाने जो अभी हमने क्रश किए थे। अब इसके अंदर हम डालेंगे काली मिर्च 1/2 टीस्पून के करीबन। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून सेंधा नमक या फिर व्रत वाला नमक जो भी आप बोलते हैं, और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को डालने के बाद। और सारी चीज़ें डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे इसी प्लेट से, और लो फ्लेम पर इसको हमें कुक होने देना है लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा साबूदाना आलू वगैरह कुक हो रहे हैं, तब तक यहाँ पे हम हरा धनिया काट कर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हरे धनिया को मैंने धो लिया अच्छे से और धनिया को काट लिया इस तरह से, थोड़ा बड़ा बड़ा काटा मैंने। तो यहाँ पे जैसे 4 से 5 मिनट हो जाएँ तब इसको एक बार हम मिक्स कर लेंगे। तो बीच में भी एक दो बार चला दें साबूदाना और आलू को, ताकि आपस में चिपके ना, जले ना। और जैसे ही यहाँ पे ये हल्का सा कुक हो जाए, अच्छे से कुक हो जाए, तब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ कटा हुआ हरा धनिया। और हरा धनिया को मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को हम कर देंगे बंद, और इसी तरह तैयार हो जाएगा हमारे साबूदाने की खिचड़ी। तो इसको हम सर्व करेंगे एक प्लेट के अंदर। तो इस तरह हम इसको सर्व कर देंगे, और जैसे हम इसको सर्व करेंगे उसके ऊपर हम गार्निश कर देंगे एक हरा धनिया। तो इस तरह का मैंने पत्ता लिया है। तो दोस्तों, तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी साबूदाना और आलू की खिचड़ी। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।